नमस्कार दोस्तों दोस्तों क्या आपकी एनजीओ का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया जा सकता है? और यदि हाँ तो क्या विद इन स्टेट किया जा सकता है या इंटर स्टेट भी किया जा सकता है? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल, क्योंकि लोग यूपी से दिल्ली में, दिल्ली से यूपी में अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। काफ़ी सारी क्वेरीज इस तरह की आ रही हैं, तो मैंने सोचा चलो इस पर वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। दोस्तों मेरी इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊँगा कि क्या एक एनजीओ अपना रजिस्टर्ड ऑफिस दूसरे स्टेट में लेके जा सकती है, नहीं लेके जा सकती, क्या दूसरे स्टेट में हम एनजीओ का रजिस्टर्ड ऑफिस ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या विद इन स्टेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी कैटेगरी आप एनजीओ की बात कर रहे हैं। एनजीओ में मैं हमेशा कहता हूँ तीन कैटेगरी आती है, नंबर एक सोसाइटी, नंबर दो कंपनी और नंबर तीन चैरिटेबल ट्रस्ट। तो जब भी आपके मन में ये क्वेश्चन आए कि क्या हम अपना स्टेट, क्या अपना रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन स्टेट चेंज कर सकते हैं, तो हाँ दोस्तों सोसाइटी के केस में आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन स्टेट आप ट्रांसफर कर सकते हैं। विद इन स्टेट का क्या मतलब हुआ? यूपी का आपका लखनऊ में रजिस्टर्ड ऑफिस है, आप आगरा में कराना चाहते हैं, आगरा का है आप यूपी लखनऊ में कराना चाहते हैं, विद इन स्टेट आप ट्रांसफर कर सकते हैं सोसाइटी के केस में। ट्रस्ट के केस में भी आप विद इन स्टेट कर सकते हैं, और सेक्शन 8 कंपनी के केस में भी आप विद इन स्टेट रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है इंटर स्टेट, क्या आप इंटर स्टेट में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर सकते हैं? तो दोस्तों यही मैंने आपसे कहा कि ये डिपेंड करता है कि आपकी एनजीओ की कैटेगरी क्या है। अगर आपकी एनजीओ की कैटेगरी चैरिटेबल ट्रस्ट है तो आप इंटर स्टेट ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर आप दिल्ली से यूपी कराना चाहें या यूपी से दिल्ली कराना चाहें रजिस्टर्ड ऑफिस को, तो क्या ये आपको अलाउड है? नहीं दोस्तों अलाउड नहीं है। आप अपना वर्किंग ऑफिस चेंज कर सकते हैं, वर्किंग ऑफिस आप रजिस्टर कराएंगे अपनी ट्रस्ट डीड में, और वर्किंग ऑफिस ऑल ओवर इंडिया में कितने भी स्टेट में आप अपने वर्किंग ऑफिस खोल सकते हैं। अगर हम रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहें सोसाइटी के केस में, क्या एक सोसाइटी का रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो सकता है? तो दोस्तों वो भी नहीं हो सकता, वो भी पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं दोस्तों कंपनी के केस में, क्या सेक्शन 8 कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर सकते हैं? हाँ दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं। जो कंपनी लॉ है वो इस चीज़ को अलाउड करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक सेक्शन 8 कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हम चेंज कर दें। लेकिन दोस्तों मैं प्रैक्टिकल यहाँ पे आपको बताऊँ, इट्स वेरी टिपिकल प्रोसीजर। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन स्टेट चेंज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से हो जाता है। लेकिन अगर आप उसका रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर रहे हैं तो थोड़ा प्रैक्टिकल प्रोसीजर में टिपिकल होती है, और आपको उसमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी सारा प्रोसीजरल एस्पेक्ट आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी इस वीडियो कि आप रजिस्टर्ड ऑफिस को विद इन स्टेट के ट्रांसफर कर सकते हैं नहीं कर सकते, या इंटर स्टेट कर सकते हैं नहीं कर सकते। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इसलिए मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल रही होगी, आपकी नॉलेज आपकी इंक्रीज हुई होगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको नई नई इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में।